वैसे ही हाल में मेघालय में 17 में से 12 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस लगातार बुरे से बुरे दौर से गुजर रही है और इधर आज पंजाब में भी हालात बुरे ही दिखाई दे रहे हैं। पहले बेअदबी का मामला सामने आया था और आज लुधियाना में एक जबरदस्त धमाका हो गया। सवाल ये कि क्या कोई पंजाब को जानबूझकर अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसके पीछे पड़ोसी मुल्क दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की साजिश है या ये सारा खेल चुनावी है। धमाका, एक संदिग्ध मौत और कई सवाल। पंजाब में बेअदबी मुद्दे की जांच अभी अंजाम तक भी नहीं पहुंची थी कि लुधियाना में एक नई वारदात का आगाज हो गया। लुधियाना कोर्ट की दूसरी मंजिल के शौचालय में इतना जोरदार धमाका हुआ कि तबाही के निशान हर ओर बिखर गए। जिहड़ी धुएं की स्मैल है, वो तो लगता है भी RDX का ब्लास्ट है। लोग समझते सी कपड़े आ, मैं कपड़े जो चक के देखे और मैं कपड़े उतारे, कपड़े फट गए, डेड बॉडी पई अंदर। धमाके की इंटेंसिटी ऐसी थी कि शौचालय से सटी रिकॉर्ड रूम की दीवार तो टूटी ही टूटी, नीचे खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कोर्ट परिसर में हुए इस धमाके ने पंजाब की पॉलिटिक्स में भी धमाका कर दिया है। जांच शुरू होने से पहले ही सियासी बहस शुरू हो गई है, एक दूसरे पर आरोप मढ़े और गढ़े जा रहे हैं। जिस दिन दे सी नशे दे पीछे पए है, उस दिन दिया इदां दिया घटनावां सामने आ रही हैं। गया आने वाली चोणां दे नाल कोई एजेंसियां पंजाब दी अर्थव्यवस्था नूं भंग करके डरा के वोटां लेणियां चाहुंदियां पंजाब दियां। धमाके की जांच के लिए दिल्ली से NSG टीम को बुलाया गया है, लेकिन जांच से पहले ही सिद्धू ने आरोप और आरोपी दोनों तय कर दिए हैं। जो लकीर चन्नी ने खींची, सिद्धू ने उसे खींचकर थोड़ा और बड़ा कर दिया। के एक खास कम्युनिटी दी पोलराइजेशन दे वास्ते, उन्हें अड करन दे वास्ते, उन्हें डरा के भय तंत्र दे नाल लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मोड़िया जा रहा है। इहदे च शक दे घेरे च एजेंसियां आउंदियां। पंजाब के CM से लेकर सिद्धू तक सब एक ही सुर में केंद्रीय एजेंसियों और सियासी विरोधियों को हमले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो BJP ने संदेह के घेरे में पंजाब सरकार को ही खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी से लेकर अकाली दल तक धमाके को पंजाब सरकार की नाकामी बता रहे हैं। या तो NIA या CBI या एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की किसी भी साजिश को पंजाब के लोग किसी भी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। I am very clear कि इहदे पिछे जे इन्वेस्टिगेशन सही होगी, कांग्रेस की सरकार का पक्का हाथ निकलूगा, इन्हां दे बंदियां दा पक्का हाथ निकलूगा। खुफिया सूत्रों के मुताबिक धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही पंजाब के हालातों को देखते हुए वहां की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह किया था कि इन हालातों का फायदा असामाजिक तत्व उठा सकते हैं, लिहाजा वहां के धार्मिक स्थलों और महत्वपूर्ण संस्थानों पर विशेष निगाह रखी जाए। इस अलर्ट को अभी 7 दिन भी नहीं बीते थे कि लुधियाना में बम धमाका हो गया। लुधियाना ब्लास्ट में एक एंगल पाकिस्तान की साजिश का भी जुड़ रहा है। केंद्रीय खुफिया और जाँच एजेंसियाँ भी मौके का मुआयना कर रही है। इस जाँच के दौरान यदि स्थिति गंभीर पाई गयी, यानी इस धमाके में सीमा पार या आतंकी संगठन का हाथ पाया गया, तो इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी सौंपी जा सकती है। पंजाब हो या फिर UP हो, हर जगह हर मुद्दा चुनाव से जुड़ जाता है। ABP News आपको रखे आगे।